दोस्तों इस वीडियो में आज आपको दिल दहला देने वाली एक घटना सुनाने जा रही हूं, जिसे सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से, जहां पर एक सोनू नाम का व्यक्ति रहा करता था। सोनू बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गाय थी और कुछ बकरियां भी थी। उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेजा, परंतु जब वह गाय चरा कर वापिस लौटा तो सोनू ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वह जंगल में ही रह गई होगी। उसके बाद सोनू ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से गाय को लाता। जब वो बीच जंगल में पहुंचा तब उसने देखा कि सामने पेड़ के नीचे बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है, तो उसने सोचा कि ये कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नागिन की नागमणि थी। उसकी लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वह चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे वहां मौजूद इच्छाधारी नाग के सिर पर चोट लग गई और वह उसी समय वहां पर मर गया। जब सोनू को यह समझ आया कि वह नागमणि है और उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसने उस नाग को हिलाकर देखा, वो तो सच में मर गया था, वो वाकई में मर चुका था। सोनू ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भाग कर अपने घर की ओर आया, और उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे कुछ नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की, जो मेरी गाय जंगल में खो गई है वह तुरंत ही वापस आ जाए, और अगले ही पल वह गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में सोनू बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी हो। वो सब कुछ पा लेगा जो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देख वे गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा भी देख लिया था। दरअसल सोनू ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, उसे ऐसे में वहां पर छोड़ कर आ गया, और उसकी यही गलती वजह बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी की। धीरे धीरे सोनू ने नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया और बड़े ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। उधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत तड़प रही थी, परंतु जब तक सोनू के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसको नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और सोनू के गाँव में आ गई। नागमणि होने के कारण सोनू बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक दिन सोनू काम के सिलसिले से एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था, तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। जब सोनू ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में नागिन ने बताया कि मेरा नाम कविता है, मैं अपने पति के साथ पास के गाँव में रहती हूँ, परंतु कल रात वो किसी अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उस नागिन की झूठी कहानी सुन सोनू को उस पर तरस आ गया, क्योंकि सोनू स्त्री की सच्चाई से अनजान था। तो उस पर तरस कर उसने उसकी मदद करने की सोची, और साथ ही उसकी सुंदरता से सोनू बहुत आकर्षित भी हुआ। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और सोनू में दोस्ती शुरू हो गई। वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई, सोनू को पता ही नहीं चला कि वो कब उस स्त्री से प्यार में फंस चुका था। एक दिन सोनू और कविता घूमने गए। एक जगह पर बैठ कविता ने पूछा कि ये तुमने गले में क्या पहन रखा है, तो सोनू ने कहा ये तो एक मामूली सा ताबीज है, वो नागमणि सोनू ने ताबीज के रूप में अपने गले में पहन रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो, मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु यह सुनकर सोनू बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता, इसके अलावा मुझसे जो मांगो वो मांग सकती हो। इसके बाद इच्छाधारी नागिन उस लड़की ने सोनू से कहा तुम तो पहले ही बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज क्या मांग ली, तुम उसे ही मुझे देने से मना कर रहे हो। इसके बाद सोनू ने कहा ठीक है, परंतु कुछ ही देर तुम इसे पहन कर मुझे वापिस कर देना।
और सोनू ने उस चमकीली चीज को गले से निकाल कर उस लड़की के हाथों में दे दी। और जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई तो उसका स्वरूप भी बड़ा भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर सोनू कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का पूरा बदला ले लिया। दोस्तों आप भी ध्यान रखिए कि नाग नागिन या किसी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।